योगीराज और सानिया, किसने की कॉस्ट्यूम डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन्स में कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, मैं हूँ प्रतीक्षा आपके साथ। KGF 2 जिसके फर्स्ट लुक ने अब तक 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज ले लिए हैं, साथ ही फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। बताइए, आपको बता देते हैं कि फिल्म के फर्स्ट लुक या ट्रेलर पर कास्ट के अलावा आजकल फिल्म बनाने वाले यानी फिल्म के टेक्निकल टीम के बारे में भी बातें होती है और उसका विश्लेषण भी किया जाता है, और यही पता चलता है कि वक्त बदल रहा है। ये टेक्नीशियंस हर फिल्म में साथ होते हैं और काफी अच्छे काम के साथ सामने आते हैं, और KGF इसी का एग्जाम्पल है। दोस्तों, KGF फ्रेंचाइजी के बने रिकॉर्ड के पीछे हाथ होता है उन बिहाइंड द सीन सुपर हीरोज या टेक्नीशियंस का, जो फिल्म को एक गहराई देते हैं। इन्हीं में से दो फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर योगी चिराज और सानिया है। KGF, KGF 2 या फिर KGF 3 में नजर आने वाली बेल बॉटम पैंट्स, जो कि 70s और 80s की याद दिलाएगी आपको। लेकिन इन कॉस्ट्यूम को बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि योगी चिराज और सानिया ने 70 और 80 के दशक के लोगों के कपड़ों पर पूरी रिसर्च की कि उस वक्त में गरीब इंसान कैसे कपड़े पहनता था और अमीर और गैंगस्टर्स के कपड़े कैसे होते थे। इनके सही और रियल लुक के लिए इन लोगों ने बहुत रिसर्च की और बहुत मेहनत भी की। साथ ही अगर इंडिया का कोई गैंगस्टर इंटरनेशनल बन जाए तो उसके कपड़ों में कैसे बदलाव होंगे वगैरह वगैरह उन लोगों ने रिसर्च की। आपको बता दें कि योगी चिराज और सानिया KGF 2 फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग हिस्सा है कि आप उस वक्त का पूरा अनुभव प्राप्त करें और उसे पर्दे पर पेश करें। जब KGF 2 की बात आती है तो योगी चिराज और सानिया ने काफी बेहतरीन कॉस्ट्यूम तैयार की है, ये तो मानना पड़ेगा। सानिया ने यश के लिए डिजाइन किया है और योगी चिराज ने पाकी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन की है। KGF 3 की कॉस्ट्यूम्स के बारे में बोलते हुए योगी ने कहा कि KGF 3 में इस्तेमाल किए जाने वाली ज्यादातर कॉस्ट्यूम्स किसी दुकान से खरीदी नहीं गई बल्कि सिली गई है। जी हाँ, फिल्म में 70 के दशक की फील देने के कारण हमें उस समय के सामान का ही उपयोग करना पड़ेगा, तो घड़ी से लेकर जूते तक सब कुछ कस्टमाइज्ड बनाया जाएगा। वैसे KGF और KGF 2 में हम इन दोनों का काम देख चुके हैं, लेकिन KGF 3 में इनका काम देखने के लिए हमें इंतजार रहेगा। आप बताइए कि आपको कितना इंतजार है KGF 3 का, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।